कौन है? बीवी है मेरी। लोग हमदर्दी और मोहब्बत का जाल बिछा के फंसा लेते हैं। जाल बिछाने के लिए जहानत की जरूरत होती है। अगर ऐसा है तो इसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरा साथ दोगे ना? बख्तो, ठहरो, मैं कहता हूँ। तो वो नूरा है ना? वो उसको हुरिया मैडम लेके गई है सर। तो कुछ नहीं सर, सब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो थोड़ी सी ना समझ है, मासूम है सब। वो यही काम कर ज्यादा बेहतर। काम करने आई है, यहाँ करे या वहां करे, एक ही बात है। आवारा बदमाश कहीं का, एक तो शरीफों के घर में ताक झांक करता है, ऊपर से जबान चलाता है, मुझे धमकी दे रहा था। लफंगे कहीं के! क्या हो गया हाजी साहब, क्यों सुबह सुबह चिक चिक कर रहे हैं घर में? अब क्या इस महारानी के लिए रोजाना आप मोहल्ले में फसाद बर्पा करेंगे? किसने कहा था कि सल्लड़ जवान लड़की को ब्याह के घर में ले आए? अब देश की चौकीदारी मुझसे तो नहीं होती। आपसे होता क्या है, इतने सालों में एक बच्चा तो दे नहीं सकी आप। मेरा भी दिल चाहता है कोई अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा बाबा कह के मेरी दाढ़ी से खेले। मैं बेचारा शादी ना करता दूसरी तो क्या करता? बस ले देखे ना, मुझे बे औलादी के ताने दे दिया करे, नैन मटक्का ये करे, चोरी इसकी पकड़ी जाए और ताने मुझे ही मिलते हैं हमेशा। खामोश, उसकी बात मैं उससे कर लूंगा। आप मुझे ये बताइए, आप बेपर्दा होकर बाहर क्या करने के लिए आई थी? दिल तो चाहता है कि तीन तलाक के लफ्ज सुना के ना आपको फारिग करूं। बस खौफे खुदा के मेरी जबान यहां से पकड़ लेता, यहां से। क्या बात है हाजी साहब, तलाके देने का कितना शौक है ना आपको, बस तलाके देते जाएं और निकाह पढ़वाते जाएं आप। अरे इसी मकसद के लिए तो जमीन पे उतारे गए हैं आप। चुप चुप, खामोश हो जाओ बदजुबान औरत, तुम्हारी बदजुबानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी औरतों का ठिकाना जहन्नुम बताया गया है, जहन्नुम, जाओ दफा हो जाओ। चलिए इस बख्तों की तुम्हें। अगर तुम्हें हुरिया का नूरा को ले जाना बुरा लगा है तो मैं उसको वापस बुला लेता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी बख्तू। क्या? अगर तुम्हें नूरा की इतनी फिक्र है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? कैसी बातें कर रही सर? तुम्हें लगता है कि वो वहाँ गैर महफूज है और हुरिया को लगता है कि जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो यहाँ गैर महफूज है। मैं नूरा से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है और तुम पढ़ लिख के उससे बहुत आगे निकल जाओगे। सर ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब है सब ठीक कहा करते थे, मुझे ही तुम्हारे बारे में कोई गलत फहमी थी। हुरिया ने भी कहा था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे एक धोखेबाज शख्स है। नहीं सर, नहीं, तुम्हारे बारे में गलत था। बख्तावर बस आ गई माँ।
पता भी है इन्हें। अरे ये क्या बात हुई, बताकर आते ना तुम लोग, मैं कुछ खाने की तैयारी कर लेती। अरे खाला, हमारा अपना घर है, हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ मैं, आहत की बात कर। होने वाला दामाद है मेरा और पहली दफा तो हमारे घर आए, इसकी खातिर करना तो फर्ज बनता है ना। खाला खातिर तो आजू कैसी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। नहीं माँ, ये लो। अरे खा लो बेटा। भाई को भी दो ना। ना है। खाला आप भी। शुक्रिया। खाला बख्तावर आपके पास हमारी अमानत है, इसे संभाल के रखिएगा और बहुत ख्याल रखिएगा, हम जल्दी आके इसे ले जाएंगे इंशाल्लाह। मुबारक हो खाला। तुम दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आजकल तो रोज एक नया ड्रामा खड़ा रहता है ये हाजी साहब के घर में। कल उन्होंने अपनी पहली वाली बीवी को इतना मारा है, वो भी नई वाली दुल्हन के सामने। और माँ, नई दुल्हन देखी है इसकी, छोटी बच्ची है, इसकी बेटी की उम्र की होगी, खबीस आदमी। आहिस्ता बोल, सुन लेगा ना तो यहाँ। तो सुन ले, कसम से माँ, अफसर बनकर लौटूंगी ना यहाँ पे तो बताऊंगी इसको। क्या बदतमीजी है ये, है? बॉल दू बॉल मुंह पे ना मारू तुम्हारे, तुम बल्ला भी ऊपर आके दो मुझे। आइंदा यहां कोई नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा आइंदा, बस जितना खेलना था तुम खेल चुके। शर्म नहीं आती, ये बच्चे लेने के लिए आए ना बॉल, इनको नहीं देनी अब। सारा मोहल्ला ऐसे बदमाशों से भरा हुआ है, किस किस से बचाते फिरेंगे अपनी नई नवेली दुल्हन को। कम अज कम इससे तो बचा लूंगा। हराम होर, मतलब घर में तांग झांक किए बगैर इसका कदम हमारे दरवाजे से आगे जाता ही नहीं है। मैं निकाल बाहर करूंगा इनको। इतना आसान नहीं है रातों रात किराएदारों को घर से बाहर निकालना। इतना मुश्किल भी नहीं है मेरे लिए, पैसे की लालच नहीं है मुझे, बगैर वजह के भी निकाल सकता हूँ, मेरा घर है, मालिक हूँ मैं। इसको तो निकाल बाहर करेंगे, कल को कोई और आ गया आपकी नई नवेली दुल्हन पे नजर रखने फिर क्या करेंगे। उसकी नौबत नहीं आने दूंगा मैं, उसका बंदोबस्त भी कर लिया है मैंने। 1000 रुपया फिर तुमने निकाल लिया, अरे भाई ये भी चोरी होती है। शौहर के पैसे पे नागन बन के बैठ जाती हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये लीजिए। ये क्या है? खोल के पढ़ लीजिए, माशाल्लाह से बहुत पढ़ी लिखी हैं आप। अपनी अम्मी को दे दीजिएगा।
देखिएगा कौन है। इनसे कह दीजिए अगर ये नोटिस वापस करने की बात करने के लिए आए हैं तो मेरी तरफ से माजरत है, ये मेरा अटल फैसला है, इस पे कोई बात नहीं हो सकती। आपको पूरा इख्तियार है भाई साहब, आपकी मर्जी है, आपका घर है, आप जब भी कहेंगे हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, आखिर हम आपके किराएदार ही ठहरे ना। लेकिन लेकिन क्या, और ये मिठाई किस लिए, बेटी अफसर लग गई क्या? जी इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगा। दरअसल मैंने अपनी बेटी बख्तावर की शादी तय कर दी है, उसकी खुशी में ये मिठाई मैं। अंदर आज। जी क्या हो गया? आप कब आए? कितनी घबराने की क्या बात है, पता ही नहीं चला। तुम अपने हुस्न के नजारों में इतनी मगन थी कि तुम्हें इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहता। वैसे बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हें पसंद है ये ड्रेस? वैसे ही सेम ड्रेस ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं बहुत कीमती है। तुम्हारी खुशी के आगे इस दुपट्टे की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें पसंद है ना, तो बस ठीक है, मैं ऐसा ड्रेस ऑर्डर कर देता हूँ। देखो मैं तुम्हारी खुशी की खातिर इतना कुछ करता हूँ, अब तुम भी तो मेरी खुशी का ख्याल रखो ना। मैं कुछ समझी नहीं। तो समझ जाओ ना, इतनी बच्ची भी नहीं हूँ। शुक्रिया बेटी। लीजिए ना, वैसे भी आप लोग चंद दिन के मेहमान हैं, थोड़ी खातिर तवाजो तो बनती। कल को आपकी बेटी अफसर बन गई, हमें कोई काम पड़ गया फिर क्यों? हाजी साहब मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जी वो दरअसल बात ये करनी थी मैंने कि बख्तावर की रुखसती हो जाए तब हम लोग चले जाएंगे इस घर से। मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द इसका निकाह हो जाए और ये अपनी घर की हो ले। तब तक के लिए अगर आप। मैं क्या कह सकती हूँ, ये घर हाजी साहब का है, वो जो फैसला करते हैं वही होता है। देखिए अब ये मुमकिन नहीं है, मैं आपको मोहलत दे देता लेकिन अब कुलसूम भी आ गई है इस घर में मेरी बीवी बनकर। डैड आई एम सो टायर्ड, इतना लंबा इवेंट था, बहुत देर हो गई। लेकिन तुम्हें देखा कि जाने का फायदा हुआ, कितनी कवरेज मिली, और तुम जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। सुनो जी, क्या नाम है तुम्हारा? जी नूरा। हाँ जाओ जूस लेके आओ ठंडा। जी नवीदा के मिजाज से आप वाकिफ हैं तो इन दोनों को एक ही छत के नीचे रखना मेरे बस की बात नहीं। ये क्या है? एडवांस किराया है। वैसे तो आप लोग एक महीने का नोटिस दिए बगैर हमसे घर खाली नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी पेशगी किराया दे रहे हैं। वाह भाई, पेशगी किराया भी दे रहे हैं और साथ धमकी भी दे रहे हैं, बहुत खूब। धमकी हमने नहीं, आपने दी है नोटिस की सूरत में कि जब चाहेंगे घर खाली करवा देंगे और हमारा सामान सड़क पे फेंक देंगे। मैं पूछता हूं तुम्हारा भाई कहां है? ये जनानियों को आगे कर दिया पैसे और मिठाई लेकर, बहुत शातिर है वो, उसको काम निकलवाना आता है। उसको मेरे पास भेजें, वो आके मुझसे बात करे, मैं औरतों से बात नहीं करता। औरतों को कुछ नहीं समझते ना, लेकिन फिर भी
घर बसाने और घर चलाने के लिए औरत के ही मोहताज हैं, और इतने मोहताज हैं कि एक नहीं कभी कभार दो दो ब्याह के लानी पड़ती है, फिर भी गुजारा नहीं होता। चलो माँ। मैं दो करूं या चार, आपको क्या है? आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? ये क्या है? ये मेरा घर, जो बेहतर लगेगा वो करूंगी। खुशबू आ रही है, हांडी लग रही है, चम्मच चलाओ। आपकी नमाज का वक्त निकला जा रहा है। हाँ जा रहा हूं, और कुलसुम से भी ना जरा प्यार से बात किया करो, अब ये घर उसका भी है। इस पर नजर रखो, इसकी यहां रहने की ख्वाहिश के पीछे कोई और वजह ना हो। मैं समझी नहीं बाबा। हमारी आपस की बातें, हमारी एक्टिविटीज, ये पल पल की खबर रख सकती है। जानती हो बेटा, हमारी पोजीशन ऐसी होती है कि कोई भी हमारी कमजोरी पकड़कर उसका ढिंढोरा पीट सकता है। जानती हो, सियासतदानों के लिए उनकी साख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी मैटर करती है। आवाम के सामने उनका सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे फायदे में ही है। सोचें अगर मीडिया में ये बात आम हो जाए कि दिलावर के घर उसकी खवातीन मुलाजमाओं के साथ बुरा सलूक होता है, उनके आने जाने, उठने बैठने, बोल चाल पर पाबंदी है, यहां तक के उनकी शादियां भी जबरदस्ती तय होती हैं, तो दिलावर के ये सारे ऊंचे ऊंचे दावे जो ये इंटरव्यूज में करता है, उनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए मैं नूरा के साथ नरमी बरतती हूँ, ताकि वक्त आने पर उसे इस्तेमाल कर सकूं। ठीक कह रही हो तुम। देखो बेटा, दिलावर और तुम अब अलग अलग नहीं हो, बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने जा रही है। अब ये आपस की लड़ाई को खत्म करो। ये झगड़ा खत्म हो जाता अगर दिलावर भी ऐसा ही सोचता बाबा। ना करे ये मलिक दिलावर की शादी जल्दी से हो जाए, ताकि तुम्हारी जिम्मेदारियां भी खत्म और मैं भी सुख का सांस ले सकूं। शादी तो जल्दी खत्म हो ही जाएगी, दो चार दिन की बात है, फिर उसके बाद क्या होगा माँ? मोहल्ले वालों को क्या जवाब दोगी? हाजी साहब को क्या जवाब दोगी? आज भी पूछ रहा था ना कि बेटे को बुलाओ, बेटे को बुलाओ। औरतों से बात करना तो तौहीन समझता। अरे भाड़ में जाए मेरी तरफ से ये मालिक मकान, और ये सारे मोहल्ले वाले मेरे से पूछेंगे ना, तो मैं कह दूंगी कि मेरा बेटा कहीं बाहर चला गया पढ़ने। तुम फिक्र मत करो, आहत को नहीं पता चलना चाहिए, पता नहीं क्या सोचेगा वो हमारे बारे में। फिक्र मत करो माँ, नईमा संभाल लेगी। माँ, माँ तुमने देखा था उस लड़की को जिसे हाजी साहब निकाह के नाम पे खरीद कर लाए? कैसी डरी सहमी मासूम से खड़ी हुई थी, बिल्कुल बाजी नसीमा याद आ गई मुझे। मेरा दिल चाह रहा था कि इस हाजी की रिपोर्ट लिखवाऊं और ये हवालात की सैर करके आ। बस कर दो, हाजी उठती, ऐसा कुछ भी नहीं करना,
बेटा अल्लाह अल्लाह करके शीदे से जान छूटी हमारी, अब मौके से फायदा उठाओ और आहद से शादी के लिए हाँ कर दो ताकि मेरी जिंदगी भी सुकून से गुजर जाए। हाँ मेरी शादी तो हो ही रही है, शादी से तो इनकार नहीं किया ना मैंने, लेकिन जो इतनी मेहनत करके इतनी जद्दोजहद करके तालीम हासिल की है उसे जाया नहीं होने दूंगी मैं। आहत से शादी कर तो रही हूं लेकिन क्या ये मेरा सही फैसला है? डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। बात सुनो मेरी, कुलसुम नाम है ना, कुलसुम नाम है ना, सुनो उस बुढ़े के साथ खुश हो तुम? शनाख्ती कार्ड बना है तुम्हारा? जवाब दो कुलसुम, अगर अपने आप को बचाना चाहती हो ना मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना नाम एक पर्ची के ऊपर, अपना पता, अपनी तारीख पैदाइश लिख के इस दरवाजे में घुसा देना। कुलसुम, कुलसुम कब से आवाजें दे रही हो, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? वो मैं पौधों को पानी दे रही हूं। चार पौधों को पानी डालने में कितनी देर लगती है भाई? चलो कानों में तेल डाला हुआ है क्या? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, अवॉइड क्यों कर रहे हो? अवॉइड नहीं कर रहा था, फंक्शन के अरेंजमेंट्स में बिजी हूँ यार, थक जाता हूँ। और ऊपर से हमारे फालतू के करोड़ों रुपए लग रहे हैं 3 दिन के फंक्शन के लिए। आई थिंक द वेडिंग शुड बी अ फैमिली अफेयर, करीबी लोग हो, एक दिन का फंक्शन हो, प्राइवेट हो, खत्म। दिस इज ऑल अ वेस्ट ऑफ मनी एंड एनर्जी। अब तुम कहोगे कि शादी होनी नहीं चाहिए। शादी इसी तरह होती है और फिर हमें किस चीज की कमी है? तुम देखना हमारी शादी का फंक्शन धूम मचा देगा कई सालों तक। धूम? हम धूम ऐसे भी तो मचा सकते हैं कि एग्जांपल सेट करें। वैसे ही हमारे मुल्क के अंदर इतनी बेरोजगारी है, गुर्बत है, हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को? यार इस रोज रोज की बहस से ना मैं तंग आ गई हूँ। हर दिन कोई ना कोई मामला होता है, अगर यही चलता है तो शादी के बाद हम क्या करेंगे? तुम्हें अब ख्याल आया? मैंने पहले ही बाबा से बात करने की कोशिश की थी लेकिन लेकिन क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे? ये शादी बाबा और अंकल के बीच में एक सियासी डील है और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर इतना अनजान क्यों एक्ट कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में शायद कहीं थोड़ी सी मोहब्बत मेरे लिए होगी जिसे मैं कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं गलत थी। बाबा और अंकल के लिए शादी होगी सियासी डील, मेरे लिए ना कभी थी और ना कभी रहेगी। Thank you.
नाइमा अब शादी पर ही आएगी। बहुत खुश थी, कह रही थी शादी होते ही गांव में सबको बता देगी, तुम्हारे मामा को भी। ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है इसका, क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा, 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी। कितनी अजीब बात है ना, मामा के सामने मैं सर बनकर जाना चाहती थी, और अब दुल्हन बनकर जाऊंगी। मुझसे शादी करके तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी ऐसा लगता है क्या तुम्हें, बताओ मुझे बताओ। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते में हायल हो रहा हूँ तो तुम बेशक मुझसे शादी से इनकार कर दो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो आहत, तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, और इस बात की मुझे बहुत कदर है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे इस फैसले पे कभी पछताने नहीं दूंगा। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे यही है। मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा, मुझे यकीन है। ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खाला शरीफा को मेरा सलाम कह देना। ये आपकी नई नवेली महारानी का ना हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस दिन की मार कुटाई से भी कोई सबक नहीं सीखा इसने। अब क्या कर दिया नेक बख्त ने, सहन की झाड़ू लगाने जाती है तो घंटों लगा देती, और घर के काम तो चुटकियों में ये जा वो जा, वैसे भी घर के काम करते हुए मौत आती है उसको। कहना क्या चाहती हैं आप? मुझे क्या कहना है, बस यही कि मोहल्ले के नौजवान लड़कों से आंख मटक्का करती फिर रही है। हर वक्त शक, हर वक्त तफ्तीश, बगैर किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह होता है। सच बताएं, आपने अपनी आंखों से देखा है ऐसा कुछ? बस मेरी जबान का तो आप भरोसा करते ही नहीं। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, आप ठहरे बुढ़े खुसट, और मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, ऊपर वालों का लड़का नौजवान लगभग उसी की उम्र का है, कारोबार के सिलसिले में आप 10 बार घर से बाहर जाते हैं, और मैं तो घर की दहलीज लांघती नहीं हूँ, कल को कोई गुल खिला के आ गई ना तो मुझसे मत कहना। अल्लाह ना करे। देखें, आपकी छोटी बहनों जैसी है वो, ख्याल रखा। खबरदार, हमारी छोटी बहनें ऐसी नहीं है। चाय पी लें, अभी घर में ही है। हाँ। सुनो, एक कप चाय बना दो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने और हो गया नहीं, लेकिन अब बात बर्दाश्त से आगे जा चुकी है शेर जमान। देखो, ये उन दोनों का आपस का मामला है, बच्चे छोटी मोटी बातों पर उलझते रहते हैं, हमें इन मामलों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये मेरी अकलौती और लाडली बेटी की जिंदगी का मामला है, और इस मामले को मैं संजीदगी से जरूर लूंगा। मरे चौधरी, मैं भी बहुत सारे मामलों को संजीदा ले सकता था, लेकिन मैंने हमेशा दरगुजर से कहा, रिश्ता तय होने के बाद भी मेरे बेटे की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके हवाले से बहुत सी बातें फैलाई, और हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाकर
किससे फायदा दिया जा रहा है हम ये भी जानते हैं। तो फिर ये भी जानते होंगे कि इस रिश्ता तय होने में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा हुआ है मलिक। मत भूलो, हमने कई इलाकों से अपने उम्मीदवार महज इसलिए विथड्रॉ करवाए ताकि तुम्हारे खड़े हुए बंदे जीत सके। बस यूं समझ लो कि चंद सालों बाद अगर तुम्हें कुछ सीटें मिलने वाली हैं तो वो भी हमारी बदौलत। अच्छा रिलैक्स करो, तुम्हारे घर पे आया हूं, चाय तो पिलवा दूं। देखो चंद दिनों में शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि इस मौके पर मजीद गलत फहमियां पैदा हों। मैं खुद दिलावर से बात करूंगा, वो हूरिया से आके माफी मांगेगा, ठीक है? अच्छा चाय तो पिला दो। अंदर आ जाओ। चाय रख दो। कुछ कहना चाहती हो? आप नाराज हैं मुझसे? अरे मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मुझे लगा शायद तुम्हें बहुत सारी बातें ऐसी लगती हैं और वैसा कुछ होता ही नहीं। कोई गलती हो गई है मुझसे? गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हुई है तुम्हें यहाँ बुलवा कर। वैसे तुम खुश नहीं हो ना यहाँ आकर? नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी बेगम साहिबा की याद आ जाती है। बच्चों की तरह रखती थी मुझे, और छोटे मलिक साहब वो तो बहुत ही प्यारे थे। और बख्तू, वैसे क्या ताल्लुक था तुम्हारा और बख्तू का आपस में? जी ये बात बात पे ना समझने की एक्टिंग मत किया करो। मैं वाकई कुछ नहीं समझी। अरे जो ताल्लुक तुम्हारा बख्तू के साथ था वो एक हमारे साथ भी रख लो, मुझे सब पता है। बख्तू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, चक्कर चलाकर शादी से इनकारी हो गया। क्या कमी है तुम्हें? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है मेरे और बख्तू के दरमियान। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? आपके बारे में आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपको दिल से चाहती हूँ। और इंटरेस्टिंग, मुझे चाहती हो? मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस गुस्ताखी की तुम्हें कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जरदार और गैरतमंद लोग, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। खानदान का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, घर पे खाने को रोटी नहीं है और तुम यहाँ पे इज्जत और गैरत की बातें कर रही हो। इतना तुम्हें इज्जत और गैरत का ख्याल था तो फिर मेरे दिए हुए गिफ्ट क्यों लेती थी? मैं समझती थी क्या मुझसे शादी कर लेंगे? अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहकर ख्वाब देखो। Should it end?